जब चाहेंगे तब दिन घूमेगा। सो गाइज हेलो हाय वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आई जस्ट वांट टू थैंक यू, और बहुत लोगों ने प्यार दिखाया गाइज मेरे कुछ वीडियोस पे, बहुत मोटिवेट किया मुझे कि ब्रो आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, और आपका कमेंट बहुत मेरे लिए मैटर करता है, बिलीव मी। जब भी मैं देखता हूँ कुछ ऐसा तो सोचता हूँ कि यार अगर इतने लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो मुझे और अच्छा करना है। सो आज से मैं अपना कटिंग चालू किया हूँ फेस। सो गाइज आज है 10th और मेरे पास है 8 डेज में मुझे वेट भी कट करना है और 4 सेशन है पावर लिफ्टिंग का, वो भी करना है। सो मैं अभी कर रहा हूँ वॉक मॉर्निंग में, और बैग इसलिए मेरे पास, मैं कुछ पढ़ रहा था जिम में तो इसलिए मैं आईपैड और बुक्स लेके गया था। वो मैं दिखाऊंगा मैं आपको घर जाके क्या पढ़ रहा था मैं। तो चलते हैं घर गाइज, और वॉक कंप्लीट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको ब्रेकफास्ट पे। तो गाइज मैं आ गया हूँ घर, और आपने ये वीडियो के स्टार्टिंग में एक देखा था क्लिप, वो एक्चुअली मैंने नया टैटू नहीं कराया, वो मैंने वो 10 ईयर्स बिफोर मॉम का टैटू कराया था, 3D में लिखा हुआ था MOM। तो कल मैं क्या किया, बहुत मतलब फीका हो गया था कलर, तो मैं कल गया था टैटू आर्टिस्ट के पास, जिसके पास से मैंने ये वॉरियर का टैटू बनाया लेफ्ट हैंड में। तो मैंने फिर राइट हैंड में जो मॉम का टैटू था उसको डार्क कराया और कलर रिफिलिंग कराया। तो अभी मैं आपके सामने इसको ओपन करूँगा और दिखाऊँगा। और अभी उन्होंने बोला था एक दिन, मतलब एक रात छोड़ देने के लिए, तो कल नाइट मैंने कराया था कुछ 6-7 बजे, और अभी बज रहे 10। सो आपके सामने ही मैं इसको रैप को हटाऊंगा, दिखाऊंगा टैटू कैसा दिख रहा है। ऑल्सो लास्ट वीडियो का जो कमेंट था वो मुझे कमेंट बताना था कौन कौन कमेंट किया था। तो पहला कमेंट ही था सिंघा का, और उसने बोला था कि उसे वीडियो पसंद आया जब वो अपना स्टेप चल रहा था। तो थैंक यू भाई, आई विल ट्राई माय बेस्ट ऐसा ही कुछ वीडियो बनाते रहूँ, सो दैट अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ऑफकोर्स सबको अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था हुक ग्रिप का ट्यूटोरियल बनाने के लिए। सो गाइस मैं जब भी नेक्स्ट डेडलिफ्ट का सेशन करने वाला हूँ, प्रॉबली दूसरा सेशन मेरा वही है, आज बेंच है तो परसों डेडलिफ्ट रहेगा, तो डेडलिफ्ट के टाइम पे मैं आपको दिखा दूंगा हुक ग्रिप कैसे करता हूँ मैं। और राकेश ने क्वेश्चन पूछा था जिसमें उसने पूछा है कि लोअर बॉडी टाइटनेस स्क्वाट के टाइम करते हुए कैसे बना के रखे। सो ब्रो लोअर बैक टाइट रखने के लिए और लोअर बॉडी टाइटनेस रखने के लिए आप बॉक्स स्क्वाट ऐड करो अपने ट्रेनिंग में। बॉक्स स्क्वाट में क्या होता है, आपको मालूम रहता है एक लिमिटेड मतलब पोजिशन तक आपको जाना है, उस तब तक आपका बॉडी टाइट रहेगा, देन वहाँ पर स्टॉप होने के बाद अगेन आप ऊपर आओगे तो आपको बॉडी टाइट हो के ही ऊपर आना है। सो आपका टाइटनेस बहुत इंक्रीज होता है उससे, और नीचे से ऊपर आने का जो स्ट्रेंथ रहता है वो बहुत इंक्रीज़ होता है, मतलब डेप्थ हिट करने के बाद जो ऊपर आने का स्ट्रेंथ रहता है वो बहुत इंक्रीज़ होता है। एंड ऋषभ ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप कन्वेंशनल और सुमो डेडलिफ्ट में क्या डिफरेंस लगा। यस बिकॉज मैं 5 साल से कन्वेंशनल कर रहा था, और प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो प्रोज एंड कॉन्स मेरे लिए ऋषभ ये था कि जब मैं कन्वेंशनल हेवी करता था 80% तक ठीक था, 90% 95% तक जब मैं करता था और मेरा दूसरा जो कोई भी ट्रेनिंग रहता था मैं कंप्लीट नहीं कर पाता था। ऐसा बहुत बार हुआ है मीट में कंपटीशन खेलते खेलते मेरे लास्ट अटेम्प्ट या सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट मेरे लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता था।
बहुत मुश्किल हो जाता था पुश करना अपने आप को। दैट्स द रीज़न मैं 6 मंथ पहले सूमो स्टार्ट किया और अभी बहुत सही फील हो रहा है सूमो मुझे। मैं धीरे धीरे अपने नंबर्स भी बढ़ाया, मैं उसमें 210 kg था मेरा PR कन्वेंशनल में और अभी 225 है। सो 15 kg का जंप मिला। ऑल्सो मैं अपना मिक्स ग्रिप से हुक ग्रिप में आया, तो बहुत एडवांटेज है गाइस। बट मैं क्या बोलूँगा, अगर ऋषभ तुम्हें ट्राई करना है, आप ट्राई करो वीक में एक बार सूमो करने का। देखो आप कन्वेंशनल का जो PR है, उस सूमो का PR में आपको कैसा फील हो रहा है। ऑफ कोर्स इजी फील होगा क्योंकि इसमें रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है और लोअर बैक में पेन नहीं होता। अगर लोअर बैक में पेन आपको होता है तो आप प्लीज़ ट्राई करना एक बार सूमो। सो ये था लास्ट वीडियो का मेरा कमेंट गाइस। और हुक ग्रिप, यस यस यस, और जिम का वॉक अराउंड देना था, वो मैं दे दूंगा ब्रो। बड़ा जिम नहीं है, छोटा मोटा ही जिम है भाई। मैं मतलब थोड़ा, जैसे मैं बताया था धनबाद, थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया में आता है, मतलब ज़्यादा अंडर डेवलप्ड बोल सकते हो, बट इट्स ओके। चैम्पियन बनने के लिए आपको मेंटेलिटी की ज़रूरत है, ज़्यादा इक्विपमेंट की नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आईपैड में और सुबह वॉक करते समय बैग लेके वॉक कर रहा था। मैं दिखाता हूँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ अभी, आईपैड में दिखाता हूँ मैं क्या पढ़ रहा था। इससे ट्रिंग ट्रेनिंग पढ़ रहा था, ऐसे ही जिम के मतलब ट्रेनिंग कैसे करना है, प्लान कैसे बनाना है। और इसका चैप्टर बुक का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, डिज़ाइन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, 4th edition। सो मैं ये पढ़ रहा था अभी। क्यों पढ़ रहा था मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स है गाइस। अगर आप थोड़ा टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वर्कआउट डी ट्रेनिंग मतलब डी लोड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर सीनियर चिल्ड्रन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग गाइस, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ। प्रॉबली 8 मंथ से मैं अपने आप को खुद ट्रेन कर रहा हूँ। सो अगर आप, क्योंकि मुझे अपने, मेरे पास इतना बजट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, 5 to 7,000-8,000 कोच को देने के लिए। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं देख देख के सीख सकता हूँ। और सूमो डेडलिफ्ट मैं खुद से सीखा था गाइस, हुक ग्रिप भी मैं खुद से सीखा था। सो मुझे लगता है कि डेट्स ओके, अगर आप अपने बॉडी में कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो और वो आपको रिजल्ट दे रहा है, देन दैट्स ओके, उस दैट इज़ सफिशेंट फॉर मी। सो मैं अभी कोई कोच हायर नहीं किया हूँ फॉर ए मीन टाइम, जब तक थोड़ा मेरा बजट बढ़ नहीं जाता। ऑफकोर्स बजट बढ़ेगा तो गाइस कोच हायर करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, अगर आपको मतलब अच्छा रिजल्ट चाहिए। बट मैं कर ले रहा हूँ अपने से, क्योंकि मैं पहले हायर किया था कोच, कोच के साथ काम किया हूँ। सो मुझे जितना नॉलेज उनके पास से गेन हुआ था, मैं उसको इम्प्लीमेंट करके खुद से अपना इम्प्लीमेंटेशन ऐड करके देख रहा हूँ कि कौन सही हो रहा क्या गलत हो रहा। सो दिस वॉज इट गाइज, अब टैटू निकालते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है मेरा टैटू। ये ऐसा है अभी रैप किया हुआ पूरा, फिर मैं इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। सो गाइस टैटू ऐसा दिख रहा है अभी, मतलब ये तो पहले का टैटू है। बट यस, मॉम पहला चीज़ था मेरे लाइफ में, सबसे बड़ा चीज़ है वो, तो वो टैटू पहला था मेरा, वो भी राइट हैंड में। सो चलते हैं, ये मम्मी को भी टैटू दिखा देते हैं और मिलते हैं आपको शाम में। आज मेरा बेंच है, सो दिखाते हैं आज बेंच का सेशन कैसा होता है। एंड ये लास्ट सेशन रहेगा हेवी, देन ओपनर्स का रहेगा ट्रेनिंग। सो बेंच आज मालूम पड़ जाएगा शोल्डर कितना पेन हो रहा है कितना नहीं। और देख सकते हो गाइस ये कैस क्यों लगा है, ये मैं जब लेफ़्ट शोल्डर में वो बैंड पहना था तो उससे ये मतलब ये रेड कलर का स्टिचेस आ गए, वो जो रेड कलर का उन्होंने टेप दिया था लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसके वजह से यहाँ आ गया भाई। कराया यहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ क्या बोलूँ आज के टाइम पे। सो गाइस मिलते हैं आपको शाम में, बी स्ट्रॉन्ग बी सेफ। और आज भी कोई नॉनवेज नहीं खा सकता हूँ मैं, कल से खाऊँगा दोपहर के बाद। सो आज भी वे प्रोटीन पे ज़िंदा रहना है। मिलते हैं गाइस आपको इवनिंग में फिर।
was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. सो गाइज फाइनली 127.5 kg क्लियर हुआ. पेन नहीं था, थोड़ा पेन है, इतना तो वो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम है अभी मैं इंजरी से वापस आ ही रहा हूँ और मैं हेवी कर रहा हूँ. सो ये मेरा लास्ट था हेवी सेशन. अब मैं हेवी नहीं करने वाला हूँ, अब मैं करूँगा मेरा ओपनर. मेरा जो भी ओपनर रहेगा, ओपनर डिसाइड नहीं किया हूँ अभी फ्रेंकली स्पीकिंग, बेस्ड ऑन कैसा पेन रहता है कॉम मीट के दिन तो और कैसा रिकवर हो रहा है ये चीज़ तो उसके डिसाइड में स्क्वाट और डेडलिफ्ट में श्योर हूँ. ओनली फॉर बेंच मैं लास्ट एट द सेम टाइम स्पॉट पे मतलब प्लान करूँगा कितना करना है. और बस गाइस आज का वर्कआउट यहाँ कंप्लीट करता हूँ. मेरा और कुछ असिस्टेंट एक्सरसाइज है 3-4, वो सब दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेन इट्स मेनली बिगर लिफ्ट जो भी मैटर करता वो होता है गाइस. सो 127.5 kg दैट वाज ओके. स्पीड ठीक था, थोड़ा तो कम होगा मुझे मालूम है. 95% रीच कर रहा हूँ, 90% रीच कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड कम होगा बट मुझे देखना था कि उतना लोड के बाद पेन कैसा हो रहा. पेन अभी एकदम नहीं है गाइस, नहीं तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन से आपको मालूम पड़ जाता. मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा फेस नहीं झूठ बोलने देगा. सो गुड सेशन टुडे, वर्थ इट. एंड अब है नेक्स्ट डेडलिफ्ट सेशन में आपको दिखाऊंगा हुक ग्रिप कैसे करते हैं, वो भी दिखाऊंगा और डिफरेंस दिखाऊंगा गाइस डेडलिफ्ट बार और स्टिप बार. स्टिप बार में करने से कितना डिफरेंस होता है जो मैं अभी बहुत ज़्यादा फील किया हूँ. सो दोनों का डिफरेंस आपको दिखाऊंगा, कौन सा करना चाहिए अगर आप कंपटीशन खेल रहे हो और नहीं खेल रहे हो तो कौन से बार में करना चाहिए, तो वो आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब कर देना वीडियो को. सब्सक्राइब कर दो गाइस, 1000 पहुँचने वाले हम लोग. और एक अच्छी बात है वो मैं कंपटीशन के बाद रिवील करने वाला हूँ, क्या मैंने सोचा है अभी नहीं बताऊँगा. कंपटीशन हो जाएगा उसके बाद आपको बताऊँगा मेरा नेक्स्ट मंथ का जो भी प्लान रहेगा वर्कआउट का, मैं आपके साथ शेयर करूँगा. और मैं मेरा प्लान ये रहेगा, मेरा मतलब मोटो ये रहेगा कि आप मेरे साथ ट्रेन हो. मैं मेरा भी आज 5 सेट, अगर 3 सेट, अगर मेरा आज 3 सेट मेरा 70% में 8 रेप्स से 6 रेप्स है तो मैं पहले ही आपको वर्कआउट बता दूंगा, सो दैट वी बोथ गाइज कैन ट्रेन ईच अदर, मतलब वी बोथ गाइज कैन ट्रेन एट द सेम टाइम. सो मैं जो सोचता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर है वो साथ में चले. नहीं गाइज देखो, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरा डेडलिफ्ट हुक ग्रिप कैसा करता हूँ. नेक्स्ट वीडियो भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ मैं हुक ग्रिप कितना टाइम में सीखा, क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इसके. सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. 1K गाइस थोड़ा बहुत नज़दीक है हम लोग, बहुत नज़दीक मतलब 100-150 सब्सक्राइबर दूर है, प्लीज़ सपोर्ट करो. और कुछ अच्छी बातें हैं वो मैं आपको ये कॉम्पिटिशन होने के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँगा, अभी नहीं, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं बताऊंगा वो क्या है. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर.